अब इसके बाद चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि इंटरव्यू से पहले किन किन चीज़ों को आपको प्रिपेयर करना ज़रूरी। मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई कंपनी इश्तिहार निकालती है, जब भी कोई कंपनी इंटरव्यू के लिए वो अपनी कंपनी के बारे में एडवर्टाइज़ करती है, राइट, वो एक नोटिस जारी करती है कि हम लोग इस तरह के इस पोजीशन के लिए एम्प्लॉई को हायर करने वाले। तो ध्यान देने वाली बात है, आप उसको अच्छे तरीके से निकालें, आप उसको थोड़ा अच्छे तरीके से उसको पढ़ लें, थोड़ा रिसर्च कर लें उसके बारे में। एंड जिस सेंटेंसेस का इस्तेमाल किया गया, जैसे जैसे वर्ड का इस्तेमाल किया गया, उनके खास पोजीशन को दिखाने के लिए, राइट, कि मुझे इस फील्ड में इतने एक्सपीरियंस वाले लोग चाहिए, उसका एज ग्रुप ये होना चाहिए, सैलरी पैकेज ये होगा वगैरह वगैरह। तो उन खास सेंटेंसेस को इस्तेमाल करके आप अपने एक्सपीरियंस को शो करने की कोशिश करें। उस खास वर्ड का इस्तेमाल करके आप अपने डेलिनेशन में उसे एक्सप्रेस करने की कोशिश करें, आप अपने उसे एक्सपोजर में बताने की कोशिश करें, क्योंकि जिन सेंटेंसेस का इस्तेमाल उन्होंने करा है, जिन वर्ड का इस्तेमाल उन्होंने करा है ना एक नोटिस पे, राइट, अपने एडवर्टीजमेंट पे कि इस तरीके से इस एक्सपर्टीज़ के अकॉर्डिंग मुझे एम्प्लॉई चाहिए, राइट, अगर आप करते हो तो आप उनके जो एक्सपेक्टेशन है ना काफ़ी हद तक फिट बैठना शुरू हो जाओ, राइट, वो आपके बारे में सोचना शुरू कर देंगे कि अच्छा जिस तरीके से मुझे एक एम्प्लॉई चाहिए ठीक उसी तरीके से बंदा ये अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, राइट। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती। सेकेंड चीज़ कि आपका रिज्यूमे और आपका CV हर वक्त बदलना चाहिए। एग्जैक्टली गाइज, हर वक्त बदलना चाहिए। और इंटरव्यू में जाने से पहले आपको थोड़ा रिसर्च करना है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस कर लेने किस तरह की चीज़ों का आप रिवील करोगे। लेट्स से मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि आपका CV और रिज्यूमे बदलना चाहिए। फॉर इंस्टेंस मैं अगर ऐसा बोलूँ कि अगर मैंने किसी प्रोजेक्ट पे काम करा, अगर मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ तो मैंने किसी प्रोजेक्ट पे काम करा, तो मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ एक्चुअली आई वॉज वर्किंग इन अ प्रोजेक्ट कॉल्ड हाउ टेक्नोलॉजी चेंज द टीचिंग स्टाइल इन मॉडर्न एरा। तो मैंने एक प्रोजेक्ट के बारे में बताया कि मैं एक प्रोजेक्ट का हिस्सा था, मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था कि क्यों मॉडर्न टेक्नोलॉजी टीचिंग स्टाइल को इस मॉडर्न एरा में पूरी तरीके से बदल चुकी, या फिर कैसे टेक्नोलॉजी ने टीचिंग स्टाइल को पूरी तरीके से बदल दिया, राइट। और अगर मैं जाऊँ किसी फूड मार्केटिंग कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए, अगर मैं जाऊँ किसी चॉकलेट वाली कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए, अगर मैं जाऊँ किसी कपड़े वाली कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए, तो क्या आपको लगता है कि मैंने जो रिसर्च करा था वो एक टीचिंग स्टाइल पे, राइट, मैंने रिसर्च करा था कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी टीचिंग स्टाइल में काफ़ी बदलाव लेकर के आई है, राइट। तो क्या वो सूट करेगा? क्या मैं कपड़ों की मतलब उस कंपनी में जा करके, क्या मैं उस फूड मार्केटिंग कंपनी में जा करके ये एक्सपीरियंस बता पाऊँगा? ऑफकोर्स नहीं। मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, मुझे थोड़े से वेरिएशंस ऐड करने पड़ेंगे, मुझे थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा, तब जा करके वो सूटेबल हो पाएगा। यानी कि कंपनी वालों को ये लगना चाहिए कि ये बंदा हमारी पोजीशन में फिट बैठता है, राइट। ट्राई टू बी ऑनेस्ट एज मच एज पॉसिबल। एग्जैक्टली गाइज, कई बार ऐसा होगा कि उन्होंने आपसे कोई सवाल पूछा, आपको उसका आंसर नहीं आया। अगर आपको इसका आंसर नहीं आ रहा तो गैस वैस करके बोलने की कोशिश बिल्कुल ना करें, इंप्रेशन खामखा झाड़ने के लिए, इंप्रेशन बर्बाद हो जाएगा। राधे दान कि आप कुछ भी आंसर बोलो, आपको ये करना है कि आप उनसे सिंपली एक्सेप्ट करो कि सर मुझे अभी तो आंसर नहीं आ रहा, आई एम सॉरी आई डोंट हैव द आंसर एट द मोमेंट बट आई विल कैच यू सून। पर हम बिल्कुल जवाब देने की कोशिश करेंगे, मैं अपना रिस्पॉन्स जो मैं इसके बारे में रिसर्च कर लूँगा, मैंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन थोड़ा सा गेन कर लूँगा और इसका जो जवाब है मैं कंपनी में मेल कर दूँगा या फिर कंपनी के वेबसाइट पर मैं रिस्पॉन्स करने की कोशिश करूँगा, पर अभी के लिए मुझे आंसर नहीं मालूम। तो क्योंकि आपने यहाँ पे ऑनेस्टी दिखाई, क्योंकि यहाँ पे आप ऑनेस्ट हो गए, राइट, तो सामने वाले के दिलो दिमाग में एक अच्छा पॉजिटिव इंप्रेशन जाता है, राइट। इसके बाद क्या होगा कि जब इंटरव्यू ख़त्म हो जाता है, तो जब इंटरव्यू ख़त्म हो जाएगा तो एटलीस्ट उनसे पूछे सर इज देयर एनीथिंग एल्स दैट आई नीड टू वर्क अपॉन, क्या कुछ ऐसा है, इज देयर एनीथिंग एल्स दैट आई नीड टू वर्क अपॉन, क्या कुछ ऐसा है जिस पर मुझे काम करना है, राइट। तो ऑफकोर्स वो आपको बताएंगे, राइट। और उनके दिमाग में एक ये भी इंप्रेशन चला जाता है कि एक्चुअली ये अपने आप को ना बेहतर बनाने में लगे रहते हैं, ये खुद को इम्प्रूव करने में ज़्यादा ध्यान देते हैं, ये खुद के स्किल पे या फिर खुद को और ज़्यादा डेवलप करने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, राइट। समझ में आ रहा चीज़ें? तो ये चीज़, ये कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स है जो आपको याद रखना है और आपको इस्तेमाल भी करना है। इसके बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाता, अगर आपने अच्छा परफॉर्मेंस करा तो ऑफकोर्स आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो वैसे कंडीशन में आपको उस कंपनी को छोड़ना नहीं है, एटलीस्ट 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ तो काम करे ही करें अगर आपके पास वक्त है तो। और अगर आपके पास वक्त था ही नहीं तो आप इंटरव्यू देने के लिए क्यों गए? बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि सर एक्चुअली मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा कि मैं अपने आप को थोड़ा सा स्क्रूटिनाइज़ कर लूँ, अपने आप को थोड़ा सा देख लूँ कि मैं कितना सीख रहा हूँ नहीं सीख रहा हूँ, तो मैं चला गया। ये गलती ना करें, क्योंकि हर एक कंपनी दूसरे कंपनी से टाई अप होती है, हर एक कंपनी दूसरे कंपनी के बारे में जानती है और काफ़ी हद तक एम्प्लॉयज़ के बारे में भी जानती है। तो ये इंप्रेशन कहीं ख़राब ना हो जाए आपका। मैं आपको बता दूं कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है किसी भी तरीके से, तो आपको घबराने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जस्ट थिंक अबाउट कि आपको कहाँ पे काम करना है, क्या कोई स्किल्स की कमी है, क्या कुछ ऐसा सेक्शन रह गया जहाँ पे आप बताने में फेल हो गए, या कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जिसको आपने गलत तरीके से कर दिया, या कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जिसको आपको सही तरीके से करना नहीं आया। तो जब आप उस चीज़ के बारे में पढ़ना शुरू करोगे, जब उसकी ट्रेनिंग लेना शुरू करोगे, तो अगले इंटरव्यू में और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने आप को उभार पाओगे। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मौका मिलेगा। नो डाउट कि छोटे से वीडियो में उन तमाम चीज़ों को डील करना पॉसिबल नहीं है, राइट। अगर आपको इसकी पूरी डिटेल जानकारी चाहिए, अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल पर काम करना है, अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग पर काम करना है, या फिर अगर आप इंटरव्यू के वो पैनल की प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, राइट, इंटरव्यू को ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं, तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स में शामिल हो सकते हैं। वहाँ पे आपको कम्युनिकेशन स्किल, पब्लिक स्पीकिंग, इंटरपर्सनल स्किल, सॉफ्ट स्किल, हार्ड स्किल और तमाम चीज़ें आपको सिखलाई जाएगी इंटरव्यू ट्रेनिंग के साथ साथ, राइट। तो मुझे उम्मीद है इतना हमारे लिए काफ़ी है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को मेरे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी तरीके से शानदार और जानदार वीडियो मैं यहाँ पर अपलोड करता रहूँगा। और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। और अगर आप इस वीडियो को मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलिए, और साथ ही साथ मेरे पेज को ज़रूर फॉलो कर ले गाइस। एग्जैक्टली इस वीडियो के कंटेंट आपको कैसे लगे, इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको शेयर करा वो कितना हद तक आपके लिए कामयाब है, उस वीडियो को देखने के बाद तो आप प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। यस, ऑसम, फैंटास्टिक ये नहीं लिखना, अपनी राय लिखिए। और किसी तरीके से अगर कोई आपको प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में लिखें, अगले वीडियो में मैं उसे मेंशन करने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना काफ़ी, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। चल देन, बाय बाय।